सुप्रभात मित्रों, कक्षा 8वीं के विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम उपयोजित लेखन में विज्ञापन लेखन इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विज्ञापन शब्द का अर्थ समझ लेते। विज्ञापन का अर्थ होता है वी प्लस ज्ञापन, अर्थात किसी भी वस्तु या मुद्दे के बारे में विशेष ज्ञान या विशेष बात का उल्लेख करना, ये विज्ञापन कहलाता है। साथियों, विज्ञापन लेखन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आज के प्रतिस्पर्धा भरे जमाने में विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कोई भी वस्तु जिसे हमें विक्रय करना है या किसी भी सम्मेलन में जिसमें हमें बहुत से अधिक लोगों को एकत्रित करना है, ये सभी बातें तभी संभव हो पाएंगी यदि आप उस चीज का प्रचार, लोगों तक उसकी जानकारी सही तरीके से पहुंच पाए। ये सही तरीके से जानकारी पहुंचाना ही एक प्रकार से विज्ञापन है। अब आपके सामने ये चित्र प्रस्तुत है, आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि ये चित्र आपसे क्या कहते हैं। ये दोनों चित्र आपको साबुन और साइकिल, ये दो वस्तुओं का विज्ञापन दर्शा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि इस विज्ञापन के माध्यम से क्या आपको पता चलता है। तो साथियों, विज्ञापन के कारण किसी भी वस्तु, समारोह, शिविर आदि की जानकारी लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है और वो उसका लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि विज्ञापन लेखन किस प्रकार करना चाहिए। विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित मुद्दों की ओर आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त हो। साथियों, कभी भी विज्ञापन बहुत लंबा, बहुत विस्तृत नहीं होता है। आपको उस विज्ञापन में जो बातें, जिस वस्तु या शिविर के बारे में जानकारी देनी है, वो सारी चीजें कम से कम शब्दों में अच्छे से, बेहतरीन तरीके से व्यक्त हो, ऐसा आपको लिखना होगा। विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, अतः शब्द रचना व भाषा शुद्ध होनी चाहिए। जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। विषय के अनुरूप रोचक शैली हो, अर्थात जो जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उसी के अनुरूप आपको लिखना है। ये नहीं कि आप साबुन का विज्ञापन कर रहे हैं और उसमें खूबी दूध की डाल दें, तो इस तरह से वो विज्ञापन हास्यास्पद हो जाएगा। तो जो विषय है वही आपको, उसके अनुरूप ही आपकी शैली होना चाहिए। अलंकारिक काव्य में प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन को आकर्षक बनाया जा सकता है, अर्थात जब हम साधारण वाक्य में कोई बात बोलते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, और जब हम उसी को अलंकारिक रूप में, काव्यात्मक रूप में, कविता के माध्यम से यदि कोई बात करें तो वो प्रभावी होता है। तो इस तरीके से, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके विज्ञापन को हम आकर्षक बना सकते हैं। ग्राहकों के रुचि के अनुसार, ग्राहकों के बदलते हुए शौक, बदलते हुए मांग, डिमांड के अनुसार हम विज्ञापन का रूप स्वरूप बदलते हैं, ऐसा हमें हमारे विज्ञापन में प्रतिलक्षित होना चाहिए। विज्ञापन में आप जिस उत्पाद को बेचना चाह रहे हैं या जिसकी जानकारी देना चाह रहे हैं, उसका महत्वपूर्ण होना, ये बात दर्शाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसके पश्चात विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, संपर्क फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीजों का स्पष्ट उल्लेख करना अति आवश्यक होता है। आप परीक्षा में विज्ञापन लेखन कर रहे हैं, इस अनुसार आपको वहां पर स्केच पेन वगैरह का उपयोग न करते हुए सादगीपूर्ण ढंग से बेहतरीन विज्ञापन का निर्माण करना होता है। अधिकाधिक चित्र बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से उतने कम समय में जो कर सकते हैं वो ही आपको करना है। विज्ञापन की शब्द मर्यादा
50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है, अतः आप विज्ञापन में उन्हीं शब्द मर्यादा के अंतर्गत वर्ड लिमिट जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत ही अपनी सारी बातों का उल्लेख कर सके, ऐसा विज्ञापन आपको निर्मित करना है। मर्यादा वर्ड लिमिट जो है वो 50 से 60 शब्द ही होती है। तो साथियों देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 30 में उपयोजित लेखन की कृति है छुट्टियों में आयोजित संस्कार वर्ग के आयोजक के नाते आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। साथियों एक सीधी सी बात है कि यदि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और आपको उसे बेचना है तो आपका पड़ोसी वो नहीं बेचेगा, आप खुद उसका विज्ञापन करेंगे। तो आपको खुद को एक आयोजक समझना है, वो आयोजक जो कि संस्कार वर्ग का आयोजन कर रहा है। संस्कार वर्ग वो होता है जहाँ छुट्टियों में छोटे बच्चों को समर कैंप जिसे हम कहते हैं आजकल के ट्रेडिशन में समर कैंप टाइप का एक वर्ग होता है शिविर जैसा, वो उसका आयोजन कर रहा है। तो जो आयोजक होगा वो उस संस्कार वर्ग के महत्व को उपयोगिता को उसका स्थल उसका खुद का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह उस विज्ञापन में जरूर देगा ताकि अधिक से अधिक लोग संपर्क करें और वो जो संस्कार वर्ग यानी कि समर कैंप है वो सफल हो सके। तो साथियों अब आपके सामने आपको ये कृति अपनी कंप्लीट करनी है। आप अपनी कृति पूर्ण करने के लिए इस विज्ञापन से कुछ आइडिया लेकर उसे पूर्ण कर सकते हैं। यह भी एक ग्रीष्मकालीन शिविर का ही विज्ञापन है।